तकलीफ में होंगे, इतना बुलाया होगा हम, और हम अपने कामों में मगन। मत पूछे, हमारी गलती नहीं थी जानबूझ के ये सब नहीं हुआ। देखिए अगर आप इस तरह करेंगे तो मुझे लगेगा आप मेरी नीयत पे शक कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत सोच, क्या कह रहे, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। उनकी हालत देखी बेटा, कितनी बेबस पड़ गई, मजबूर लाचार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं उन्हें इस हालत में देखूं। प्लीज शहीद दादी के लिए दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जबरदस्त चाय है। अच्छा, हाँ हाँ मजा आ गया। मुझे भी चेक कराओ, हम भी देखें जरा। मैं बनवा देती हूँ आपके लिए। तुम्हारे कप से पी लेता हूँ। क्यों नहीं पी सकता, झूठी हो जाएगी। अगर उसे पता चल गया तो? क्या पता चलेगा कि तुम्हारी झूठी चाय पिए मैंने? इस घर में मेरे हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहीं आपके दावे धरे के धरे ना रह जाए। मेरी जुर्रत पे अभी भी शक है तुम्हें? नहीं, फिलहाल तो मेरी जुर्रत का इम्तिहान, पता नहीं उतर पाती हुई हूँ कि नहीं। तुम जैसी समझदार और हसीन लड़की कभी नाकाम नहीं हो सकती। ये जो तुम्हारी कयामत खेज हुस्न की दौलत है ना तुम्हारे पास, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, याद रख ले। खामोशी को सुनो, कितनी मायने है ऐसे। ये सब कुछ ठीक नहीं है। मोहब्बत में कुछ गलत नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत होती। कर रही हो तुम यहाँ पे? वो साहब चाय के बर्तन लेने के लिए आई थी। मैंने तो नहीं बुलवाया तुम्हें, सच सच बताओ, तुम चुप के बातें सुन रही थी हमारी? नहीं साहब, मैं ऐसे क्यों करूंगी, मैंने कोई बात नहीं सुनी, आप कसम ले लें। जाओ जाके बेगम साहब के लिए खाना बनाओ, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना। जी साहब।